नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा में ने विद्यार्थी मित्रों, आज आप एकम बे त्रण ने पांच में के पूर्णावर्तन करीशू, जेमा मैं तरह कने के शब्दों लीधा है जेना पर आप वाक्य बनावाना छे। आ शब्दों एकम बे त्रण ने पांच में लीधा है, पण एमांथी तमे गमे ते वाक्य बनावी सको छो। जेम के अहीं कने आपणे जोई शकीए छे, मिठाई, मने मिठाई भावे छे। आना सिवाय पण तमे घणा बधा वाक्यो मिठाई परथी बनावी सको छो। बीजो शब्द छे रमकड़ा, मेळामां घणा बधा रमकड़ा हता। इना सिवाय रमकड़ा उपर तमे बीजा वाक्य बनावी सको छो, पण रमकड़ा शब्द आवू जोईए। त्रीजो शब्द छे रूपिया, मारी पासे 10 रुपया छे। आना सिवाय पण रुपिया शब्द उपरथी वाक्य बनावी शकाय छे, मारी मम्मीए 10 रुपया आप्या। एवी रीते घणा बधा दुकानमां मे रुपिया वापर्या, एवी रीते वाक्य बनावी शकाय छे। ऋषि, वाल्मीकि ऋषिना आश्रम में सीताजी रहता हता। रामचंद्र, रामचंद्र दशरथ राजाना पुत्र हता। रामचंद्र दशरथ राजाना पुत्र हता, अथवा रामचंद्र सीताजी ने लंका माथी लई आव्या। रामचंद्र रावण साथे युद्ध कर्युं। आवी रीते तमे अलग अलग रामचंद्र शब्द उपरथी वाक्य बनावी सको छो। पछी शब्द छे सीताजी, तो सीताजीना बे पुत्र हता। याद छे नाम शुं हतुं? लव अने कुश। एवी रीते सीताजी उपरथी पण तमे घणा बधा वाक्यो बनावी सको छो। टॉय हाउस, तो याद आवे छे वार्ता? रूपेश काकाए पोताना घरमां टॉय हाउस बनाव्युं हतुं, अथवा टॉय हाउस में घणा बधा रमकड़ा हता। आवी रीते तमे टॉय हाउस उपरथी पण वाक्य बनावी सको छो। हवे बाकीना शब्दों ने तमारे जाते वाक्य बनावाना छे। जेम के कबूतर, तो आकाश में कबूतर उड़े छे। रूपेश काका, तो रूपेश काकाए पोताना घरे टॉय हाउस बनाव्यु हतुं। कुंजा, तो कुंजामां पाणी ओछू हतुं। कांकरा, तो कागड़ाए कांकरा चांचमां लई कुंजामां नाख्या। चांच, कागड़ाए चांच वड़े कांकरा कुंजामां नाख्या। कागड़ो, कागड़ो काका करे छे। संता कुकड़ी, अमे बधा भेगा थईने संता कुकड़ी रमता हता। लंगड़ी, अमे शाळामां लंगड़ी रमीए छीए। रेती, रेतीमां रमवू मने खूब ज गमे छे। तळाव, तळावमां प्राणीओ नाय छे। भाई, मारा भाईनुं नाम राकेश छे। बहेन, मारी बहेनुं नाम राधा छे। पाणी, पाणीमां हूँ छબછબિયા કરું છું। આવી રીતે તમે અલગ અલગ વાક્યો બનાવી શકો છો, પણ આ શબ્દો તેમાં આવવા જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ વાક્યો શબ્દો ઉપરથી વાક્યો બનાવવાની કોશિશ એટલે કે પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને આ બધા શબ્દો તમારે નોટબુકમાં પુનરાવર્તન લખી અને ફૂદેડી કરી અને નીચે હેડિંગ મારવાનું છે। નીચેના શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો, અને આ રીતે લીટી છોડી છોડીને શબ્દ લખવાના છે, એના ઉપરથી વાક્ય બનાવવાના છે, અને નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે। થેન્ક યુ।